कहा जा रहा है कि बिहार में डीजीपी बदलते ही अब आईपीएस अधिकारियों का भी बदलाव होने जा रहा था। इसकी सूचना पहले से थी, अधिसूचना जारी का इंतजार था, क्योंकि डीजीपी भट्टी अपना एक अलग टीम ही बनाना चाहते हैं, जिससे अपराधियों का दहशत खत्म करने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। अब खबर विस्तार से समझिए। बिहार कैडर की बड़ी संख्या में आईपीएस अधिकारियों को प्रोन्नति दी गई है, यानी प्रमोट किया गया है, जिसको लेकर पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लो को डीआईजी में प्रमोट कर दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है। केंद्रीय प्रमोट पर किए गए 2010 के बैच अधिकारी राजीव मिश्रा और हरिप्रसाद एस को पावर कोटी में प्रमोट कर किया गया है। वहीं 2010 बैच के अधिकारी दीपक वर्णवाल, नीलेश कुमार, मृत्युंजय कुमार चौधरी, तोहित प्रवीण, अभय कुमार लाल, राशि जमा, अनिल कुमार, अरविंद कुमार गुप्ता, प्रमोद कुमार मंडल को पावर कोटी में प्रमोट किया गया है। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर गए सौरभ कुमार शाह को डीआईजी में प्रमोट किया गया है। 2009 बैच के आईपीएस अधिकारी नवीन चंद्र झा, बाबूराम जयकांत, मानवजीत सिंह ढिल्लो, हरिप्रीत कौर, मोहम्मद अब्दुल्ला और विनोद कुमार डीआईजी बनाए गए हैं। वहीं निशांत तिवारी, जितेंद्र राणा, मनु महाराज, एम सुनील नायक को भी प्रमोट कर पनौती की गई है। छत्रनील सिंह, पीके कनक, राजेश त्रिपाठी, नवल किशोर सिंह और राजीव रंजन को आईजी में प्रमोट किया गया है। आईजी रत्न संजय कटियार को एडीजी में प्रमोट किया गया। वहीं आईजी अमृत राज एम आर नायक, श्रीमती के सुहिता अनुपम को एडीजी में प्रमोट किया गया। तो समझ लीजिए कि अब बिहार के बदलते डीजीपी के साथ अब कई आईपीएस अधिकारी को भी बदला गया, यानी यूं कहिए कि प्रमोट किया गया है। अब एक नए और तेवर में डीजीपी सहित पटना के नए एसएसपी भी नजर आएंगे। क्या है डीजीपी का प्लानिंग और किस तरह से अपराधियों पर शिकंजा लगाने की प्लानिंग चल रही है, जिससे अब अपराधियों में खौफ बढ़ गया है और जिस तरीके से बिहार में जहरीली शराब तांडव कर रही है, अब कहीं ना कहीं डीजीपी आरएस भट्टी के लिए एक नया जिम्मेदारी और एक नया सीन होगा, क्योंकि अपराधियों से निपटने के साथ साथ अब शराब माफियाओं से भी डीजीपी को निपटना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट पटना।